अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिल नासिर बख्तियार तलस्मात कदीमी की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे बहनों और भाइयों, आज जुम्मे का दिन है। जिस अमल का मैंने आप दोस्तों से वादा किया था, वो अमल यही अमल है, यही वो अमल है जिसका मैंने बार बार तारीफ किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तलसम पर जो मेहनत मैंने किया है, इस तलसम को जिस अंदाज से मैंने लिखा है, फिर इस तलसम का जो मैंने रिजल्ट देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी तारीफ का मोहताज नहीं। अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात कदीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी दबाइएगा, ताकि हर नए आने वाले मुनफरिद और बेहतरीन व मालूमाती वीडियोस आप दोस्तों को बरवक्त मिलती रहे और आप लोग घर में बैठे बिठाए इससे इस्तेफादा हासिल करते रहो। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं एक तलसम अपलोड करने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तलसम होगा। इस तलसम की ओरिजिनल कापी मैंने बहुत बड़ी रकमों पर बनाई है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत किया जाता है। इसमें सातें निकाली जाती है, अंसर निकाला जाता है, फिर जो जैसे सात सलाम, आयत कुर्सी, सूरत फातिहा, चार कुल और चहलकाफ के जो अदद निकाले जाते हैं, जो मोकिली निकाले जाते हैं, जो आवान निकाले जाते हैं, फिर इस तरह इसमें अल्फाज की बराई की जाती है, फिर इसको टेस्ट किया जाता है, तब जाके ये काम करता है। तो लाइक करना और कमेंट करना मेरा हक बनता है और आप लोगों का फर्ज बनता है कि अभी जल्दी से पहले कमेंट कीजिएगा कि ये नक्श आप लोगों को देखते ही साथ कैसा लगे। मेरी रहनुमाई भी कीजिएगा, क्योंकि मुझे दिली खुशी होती है जब मैं आप दोस्तों का कमेंट देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी कमेंट देखता हूँ, आप लोगों को दुआओं में भी याद रखता हूँ और अच्छे अल्फाज में भी याद करता हूँ, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर नहीं, ये सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं और मैं अपने फैमिली मेम्बर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ कि उसे कोई नुकसान न पहुँचे, उसे कोई नुकसान न पहुँचाए, वो किसी तकलीफ़ में ना हो। हमेशा उन्हें दुआओं में भी याद रखता हूँ और अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि मेरे फैमिली मेंबर जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, और सारे मुसलमानों के लिए खसूसन मैं दुआ करता रहता हूँ। तो आप लोगों ने अभी कमेंट ज़रूर करना है और इस नक्श को आप लोगों ने ज़रूर लिखना है, बल्कि हर हाल में लिखना है। सिर्फ 300-400 रुपये के आप लोगों ने ज़ैफ़रान लेनी है, साथ में अर के गुलाब लेनी है और उसके साथ ही ये तलसम आप लोगों ने लिखनी है। अल्लाह ताला पे कामिल यकीन और भरोसे के साथ अभी लिखनी है। तरीका मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये वीडियो बहुत ही मुनफरिद वीडियो है, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो की बत्ती जो जलाने वाली होती है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसी वीडियो में, और इस अमल के फवायद भी बताऊंगा। इस अमल के कोई फवायद नहीं, जो आपके दिल में आए उस काम के लिए आप लोग लिख सकते हो। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, आपका दिल में जो मुराद हो, जो आपने दिल में अपनी मन्नत रखी हो, सिर्फ इस नक्श को लिखिएगा, अल्लाह के हुक्म से फिर इस नक्श के करामात देखिएगा कि ये नक्श आप लोगों के लिए कैसे काम करता है। जो भी दिली ख्वाहिशात हो, जहां भी आप रहते हो, मेरे बहनों और भाइयों, सिर्फ इस नक्श की देर होगी, उसके बाद जब ये काम करेगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, उसके बाद भी आप लोग मुझे दुआओं में भी याद रखोगे और कमेंटों में भी याद रखोगे। ये तलसम बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत अंदाज में मैंने बनाया है। साइज़ में ये बहुत बड़ा नक्श है, मैंने जूम करके इसे छोटा किया ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो इसी तरह आप लोगों ने इसमें अंसर का भी ख्याल रखना है, इसमें साथ का भी ख्याल रखना है। अंसर और साथ कैसे मालूम करनी है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाएं, वहां मैंने हर एक की अलग से लिंक रखी है आप लोगों की आसानी के लिए, और मैं कोशिश करता रहूंगा कि अपने बहन भाइयों के लिए आसानियां पैदा करूं। मेरा इस चैनल खोलने का मकसद भी यही है, ताकि मैं आप लोगों के लिए आसानियां पैदा कर सकूं। यूट्यूब में मुझे अभी तक तो कोई कमाई नहीं मिली और ना ही मुझे कमाई की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है वो मेरे लिए बहुत है।
जो इल्म अल्लाह ने मुझे दिया है मेरे लिए वो भी बहुत है। तो ये नकुश मैं अपने क्लाइंट के लिए लिखता हूँ, फिर उसकी कापी निकाल कर उसकी तस्वीर और वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए शेयर करता हूं, ताकि आप लोग भी घर में बैठे बिठाए आसानी से अपने मामलात हल कर सको। किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी चैनल में भटकने की ज़रूरत नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बड़े से बड़े जो अपने को उस्ताद कहते हैं वो भी इस टाइम तलस्मात अकादमी चैनल का सहारा लेके चलते हैं। आप जाएँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं दावे और चैलेंज के साथ कहता हूं, जिस चैनल पर आप जाएंगे, जिस प्लेटफार्म पर जाएंगे, आपको वहां तलस्मात अकादमी चैनल की कॉपियां जरूर मिलेंगी, जो आपने आपको बड़े उस्ताद समझते हैं। तो मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी है मेरे बहनों और भाइयों की दुआओं की बरकत से। तो प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये तलसम काला जादू के तोड़ का काम करता है, जिन्नात को दफा करता है, सिफली अमल को ख़त्म कर देता है, बड़े से बड़े और ताकतवर जिन्नात को दफा कर देता है, बड़े से बड़े शरीर और खबीज शयातीन को दफा कर देता है, हमजात को ख़त्म कर देता है, छुड़ैलों और परलियों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है, और उन्हें ऐसा गिरा और कैद लगा देता है कि वो ज़िंदगी भर आपका नज़दीक नहीं आ सकते। इसी तरह इस नक्श को कारोबार की बंदिश ख़त्म करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, इस नक्श को आप रोज़गार, दुकान, कारखाना की बंदिश के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, इस नक्श को आप औलाद की बंदिश के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, वीज़े की बंदिश, कदम की बंदिश के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, रिश्ते की बंदिश, निकाह की बंदिश, हर किस्म की बंदिशों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। घर में, दुकान में और कारखाना, रिस्क व रोज़ी और फैक्ट्री में बरकत के लिए अमल को इस्तेमाल कर सकते हो, अपने कारोबार में तरक्की के लिए, कारोबार को बूस्ट करने के लिए इस अमल को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप अमलियात करते हो तो अपने हिफाजत के लिए और औलाद की हिफाजत के लिए बतौर हिसार आप इस नक्श को लिख सकते हो। ये तलसम आपको वहाँ काम देगा जहाँ आप जाते हो, सिर्फ आपने लिखनी है और अपने गले में डाल देनी है। जो आपका मकसद होगा, जो आपके दिल में मुराद होगा, चाहे वो रिश्ते की हो, मोहब्बत की हो, तस्खीर खल की हो, जो आपका मकसद चाहे, उसके लिए आप लोगों ने इस नक्श को इस्तेमाल करनी है। ये नक्श सिर्फ लिखने की देर है, इसमें बस आप लोगों ने इसको लिखना है। मैं कहूँ कि आप लोगों का जो मकसद होगा, मैं बार बार ये अल्फाज इसलिए दोहरा रहा हूँ कि हर शख्स के दिल में अलग एक मकसद होता है कि मैं अपने किस मकसद के लिए वजीफ़ा पढूं, मैं अपने किस मकसद के लिए तावीज़ इस्तेमाल करूं, मैं अपने उस मकसद के लिए किसी आमिल के पास जाऊं। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, बस जो आपके दिल में हो उस मुराद के लिए आप लोग इस तलसम को अभी लिखिएगा, अभी लिखिएगा, ज़रूर लिखिएगा और फौरन लिखिएगा। सबसे पहले आप लोगों ने तीन अदद तावीज़ लिखने हैं। तीनों तावीज़ों में आपने अपना नाम, अपने वालदा का नाम और वालिद का नाम ज़रूर लिखना है, और लिखना है आप लोगों ने जोहरा के साथ में, जो जुम्मे के दिन बाद नमाज फजर पहली साथ शुरू होती है। तीन अदद जब आप नक्श लिखोगे, तीनों नकुश को आपने एक प्लास्टिक और चार नीले कपड़े का कवर देनी है। एक नक्श आपने अपने गले में डाल देनी है, दूसरा नक्श आपने अपने घर में लटका देनी है, तीसरा नक्श आपने अपने कारखाना, दुकान, फैक्ट्री, जहां आपका दिल करे वहां आपने लटका देनी है। लिखते वक्त आपने बखूर ज़रूर रोशन करनी है, अगर बखूर ना हो या कोई और तकलीफ हो तो उसके लिए फिर आप ये कर सकते हो कि नक्श पर हल्की सी खुशबू लगा देनी है, ताकि नक्श को खुशबू लगे और इसके काम में पावर भी है। याद रखिएगा, इस नक्श के लिखने के बाद आपने एक हल्का सा छोटा सदका करना है, हज़ब तौफीक जो आपके दिल में आए, इंशाल्लाह उसके बाद इस नक्श के किरामात और फवायद आप अपने आँखों से देखोगे। जब आप ये नक्श इस्तेमाल करो तो उसके साथ साथ आपने ये बत्ती भी इस्तेमाल करनी है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये बत्ती आप लोगों ने 12 अदद बत्तियां लिखनी है, जो कि हर रात एक एक नक्श जलाया जाता है। जो आपका मकसद होगा तावीज़ लिखते वक्त, जो आपका मकसद होगा उसी तरह आपने इस बत्ती को भी इस्तेमाल करना है। 12 अदद बत्तियाँ लिखनी है, हर रात एक एक बत्ती जलानी है। इस पर ना कोई रोई लपेटना है, ना कोई धागा और ना ही खुशबू लगा देनी है। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों,
इस तलसम का इजाजत आम है, जिस दोस्त बहन भाई ने लिखना हो वो लिख सकता है, जो लिख नहीं सकते वो इस नक्श की फोटो प्रिंट फोटो कापी भी इस्तेमाल कर सकता है। फोटो प्रिंट फोटो कापी निकाल के फिर उस साथ में जो कि जोहरा का साथ होगा उसमें तावीज बना के अपने गले में डाल दे। अगर कोई मरीज हो तो पिलाने के लिए भी पिला सकते हो। ये नक्श कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, बवासीर, दिल के अमराज, दिल में सुराख और जो माजूर बच्चे होते हैं उसके लिए भी आप लोग लिख सकते हो। खासकर फालिज के अमराज को ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके रख देता है। बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी परेशानी, चाहे वो दुश्मनों की हो या दुश्मनों से निजात की हो या दुश्मनों को दफा करने के लिए हो, आप उसके लिए इस तलसम को लिख सकते हो। सिर्फ लिखने की देर होगी, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो काम होगा उसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर मुझसे रब्ता करोगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, इस तलसम को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया के अकाउंट्स में। हो सकता है कि किसी दूसरे मुसीबत ज़दा बहन भाई का भला हो तो इस कार्य खैर में हमारा और आपका बराबर का हिस्सा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने लिए भी दुआ करती रहेगा, हमारे लिए भी दुआ करती रहेगा, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर और मददगार हो। अल्लाह ताला हम सब की परेशानियां और तकालीफ दूर फरमा दे। अल्लाह ताला हमारे दिलों की तमाम वो दिली मुरादें और ख्वाहिशात पूरी कर दे जिसके लिए हम सालों से परेशान है। अल्लाह ताला तमाम मोमिनीन और मोमिनात, तमाम मुस्लिमीन और मुस्लिमात का मगफिरत फरमा दे। अल्लाह ताला तमाम मोमिनीन और मोमिनात, तमाम मुस्लिमीन और मुस्लिमात का हिफाजत फरमा दे, चाहे वो जहां भी रहते हो। आबाद रहिएगा, खुश रहिएगा। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज।